राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। दिवाली की सफाइयाँ चल रही हैं, बहुत सारे काम जो इस समय दिवाली के चल रहे हैं, पर इसी के साथ साथ हम लोग आज बना लेंगे दीपावली में जो दिए जलाने हैं ना, उसके लिए रुई की बाती। तो रुई की बाती बनाने के लिए ना, देखिए मेरी छत पर, मैं छत पर आ गई हूँ और छत पर ही ना हमारे इस तरह से रुई लगी हुई है, कॉटन। तो ये कपास का पौधा लगा हुआ है, बहुत सारी रुई आई हुई है, तो बहुत सारी रुई हमने उतार भी ली हुई है। तो मैंने सोचा ये बाती बना रही हूँ तो आप लोगों को मैं रुई भी दिखा देती हूँ किस तरीके से हमारी छत पर गमलों में लगी हुई है। तो इसी तरीके से मैंने सारी रुई निकाल ली जितनी भी अभी लगी हुई थी, और अभी भी इसमें है जो हम उतार सकते हैं, पर वो अभी पूरी ना खुली नहीं है। तो ये देखिए, ये बढ़िया सी रुई कपास जो है हमने उतार ली है और इस तरह से प्लेट में ले ली है। ये कम से कम 5 से 6 बोल हैं जो हमने निकाल लिए हैं। चलिए लेके नीचे चलते हैं और अब देखते हैं इसकी बाती इतनी आसान तरीके से कैसे बनती है। तो इसके अंदर ना, जब हम रुई निकालेंगे ना, इसके अंदर बीज भी होते हैं जिसको कि आप जब गमले में डालेंगे ना तो इसके पौधे बन जाएंगे। अभी मैंने ये बाती रुई निकाल ली है और ये मैंने ली है टूथपिक। टूथपिक ले लीजिए या पतली सी कोई भी सिलाई ले लीजिए और इस तरीके से टूथपिक को रुई के ऊपर रख कर इस तरीके से आप ऐसे कर कर लपेट लीजिए, और इसके बाद हल्का सा इसको दबाते हुए इसको आराम से निकाल लीजिए। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी ये रुई की बाती बनकर रेडी हो जाती है। बस हल्का सा दबा लीजिए और इसको साइड में रख लीजिए। चलिए एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैंने रुई निकाल ली। रुई लेने के बाद इसके ऊपर मैंने टूथपिक लगाई। टूथपिक लगाते ये देखिए, टूथपिक लगाई और इस तरीके से दोबारा से इसको अच्छे से मैंने ऐसे कर कर घुमा लिया। तो अच्छे से घुमा लिया और फिर से हमारी एक बाती बनकर रेडी है। अब हम आराम से इसको निकालेंगे और ये देखिए, रुई की बाती हमारी फिर एक और बनकर तैयार हो गई। इसी तरीके से मैंने बहुत सारी रुई की बातियाँ बनाकर रख ली हैं, ये देखिए, जो कि हमारे दीपावली में जो जो दिए जलाने के काम आएगी। और ये बाती ना बहुत ही अच्छी बनती है, बाज़ार से भी अच्छी बनती है। ये कपास थी जो मैंने ऊपर से तोड़ी थी और इसी की मैंने बातियाँ बनाई। तो अगर आपके घर में पौधे नहीं भी लगे ना, आप बाज़ार से रुई लाते हैं ना, तो आप इसी तरीके से बाती बनाए, बहुत ही जल्दी बन जाती है।